तो आज मैं आ गया हूँ नेक्स्ट जनरेशन स्कूटर्स को लेकर के, जो कि आपको मिलती हैं अप्रिलिया पे। तो अप्रिलिया पे बेसिकली आपके 3 से 4 स्कूटर्स आते हैं, और ये जो स्कूटर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड स्कूटर्स होते हैं। इनकी जो भी पार्ट्स है, चाहे इनकी चेसी हो, चाहे इनका ब्रेकिंग हो, चाहे इनके टायर हो, चाहे इनका इंजन ही क्यों ना हो, तो वो जो आपकी क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा रेस स्टाइल और काफ़ी ज़्यादा पेपी स्कूटर्स भी हो जाते हैं। जस्ट इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे कर दिया। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अप्रिलिया दिखाते हुए, अलॉन्ग विद मी दैट इज सैम सिद्दीकी, और आप सभी लोगों को मेरा पर्सनल सलाम बॉस। हरी भाई कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया, फिर से दोबारा मिलने में बहुत जल्दी है। हाँ सर, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि अप्रिलिया के कितने स्कूटर्स आते हैं इंडिया में? अप्रिलिया में सर 3 आते हैं। ओके, कौन कौन सा? पहला आता है स्टॉर्म। स्टॉर्म 125 सीसी में ही अवेलेबल रहता है। ये हमारा स्टॉर्म? नहीं सर, ये हमारा SR है, अभी वो लॉट में है नहीं। ठीक है, स्टॉर्म अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं, ठीक है। और ये आता है फिर हमारा SR। ओके, इसमें 125 और 160 दोनों अवेलेबल रहते हैं। ये हमारी जो खड़ी हुई है हमारी 125 सीसी की है। हाँ जी, उसके अलावा जो हमारी दूसरी है वो हमारी 160 सीसी की है। तो ये सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, आज के इस टाइम पे सर सबको जल्दी है, सबको तेज और पावर चाहिए, और सबको थोड़ा मतलब कि बाइक से हटके स्कूटर्स में आजकल ज्यादा कंफर्ट लगने लगा है। तो हम व्हील से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी स्कूटर्स के अंदर हमारा 14 इंच का व्हील नहीं आता, तो हमारे स्कूटर्स के अंदर 14 इंच के व्हील आते हैं। ठीक है, और काफी अच्छी ग्रिपिंग के साथ आते हैं, जो कि कंफर्ट प्लस सस्पेंशन इतना अच्छा रहता है इनका कि आप ऑफ रोड भी कहीं भी निकल जाते हैं तो ये वेरी इजिली जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अपना है LED लाइट सिस्टम। ये आप मिस कर दे रहे हो, कार्बन फाइबर, जो कि एक्चुअली आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम व्हीकल्स में देखने प्रीमियम में मिलता है आपको। ठीक है, कार्बन फाइबर आपको मडगार्ड मिल जाता है। उसके बाद सर आपको यहाँ पे पीछे ऊपर भी दिया होता है मीटर के पास। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा मीटर के पास भी दिया होता है, मीटर के पास भी पूरा कार्बन फाइबर मिल जाता है। LED लाइट्स दे दिए इसके अंदर, इंडिकेटर्स हमें हैंडल्स पे मिल जाते हैं इसके। ठीक है, ये हमारी पूरी गाड़ी एक्सेसरीज के साथ लगी हुई है। ठीक है, ये व्हील शील्ड हमारा एक एक्सेसरीज का पार्ट होता है। ओके, इसके अंदर फुल्ली डिजिटल मीटर आता है गाड़ी, पूरा डिजिटल मीटर काफी बड़ा, और 4.5 हाँ जी, और पूरी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आपको गाड़ी इसके डिस्प्ले के अंदर ही मिल जाती है। उसके अलावा स्टोरेज सीट, स्टोरेज सर इसको एक बाइक को देखते हुए बनाया है, तो इसका स्टोरेज कम है, इसमें हाफ फेस हेलमेट आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है। ठीक है, और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 6 लीटर का आता है। 6 लीटर का आता है। एवरेज कितनी प्रोवाइड करती है सर ये? एवरेज सर इसका सेम रहता है, 32-35 का एवरेज आता है। 32-35, उसके बाद अगर हम पीछे आ जाए तो पीछे भी सर सेम साइज होता है टायर, जो फ्रंट और बैक रहता है 120-14 इंच का टायर। हाँ जी, और इसकी जो लाइट है पीछे की स्टॉप लाइट, उस पर आपको क्रॉस मिलता है, जो कि अभी आप मार्केट में किसी एक्स क्रॉस मिलता है। ठीक है, उसके बाद में एक बार इसकी आवाज भी सुनते हैं दूसरी स्कूटर पे मूव ऑन करने के लिए। ओ, अलग ही वाइब्रेशन चल रही है। तो ये हमारी हो जाती है SR125 की आवाज। अब अगर हम लोग SR में बात करें तो SR में कितने कलर्स आते हैं? SR में सर 125 में व्हाइट, रेड और ग्रे आता है। व्हाइट, रेड और ग्रे आता है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी प्राइसिंग कितनी है? इसकी प्राइसिंग सर 1,39,800 रुपीज़। 1,39,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस, ऑन रोड प्राइस। ठीक है, उसके बाद में अब आइए मूव ऑन करते हैं हम लोग SR160 पे। अब SR160 पे जैसे ही आप आते हो वैसे ही आपको 3 कलर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एक आपका ग्रे, एक आपका ब्लैक, एक आपका सिल्वर, और उसके बाद एक आपका व्हाइट। इसी में और कोई कलर भी है? नो सर। अब इसमें हमें डिफरेंस क्या मिल जाता है उस मोटरसाइकिल से 125 से? सेम है सर, अपना ब्रेकिंग का अपना 125 में आपको CBS और 160 में ABS मिल जाता है। इसमें हमें ABS मिल गया, और इंजन पावर आपको 160 मिल जाता है। बाकी सारी चीजें एज इट इज है, बाकी सारी चीजें हमारी सेम है। 160 CC का आपको इंजन मिलता है, 11 PS की पावर अराउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वही 14 इंच के टायर फ्रंट, 14 इंच का टायर रियर, वही हाफ फेस हेलमेट का आपको स्पेस मिल जाता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। उसके बाद में आपकी बैटरी जो है वो मेंटेनेंस फ्री है या नहीं है? नो सर। ठीक है, बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है। उसके अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको वैसे ही एज इट इज पूरा सेम मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आपका थोड़ा सा ग्रैब हैंडल एक मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने लगेज वगैरह, लगेज हैंडल बेसिकली, जो कि आप कर सकते हो। अगर हम लोग 160 की बात करें, 3 कलर्स में आती है, इसकी प्राइसिंग क्या हो जाती है हमारी? इसकी प्राइसिंग सर 1,54,000 का प्राइसिंग है। 1,54,000। अब अगर हम लोग SR125 से आगे चले तो फिर हमारे पास आ जाती है SXR125 और SXR की 160 CC।
तो सबसे पहले हम लोग SXR 125 के बारे में बात करते हैं। बताइए सर, SXR 125 सीसी यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये मैक्सी स्कूटर्स की तरह थोड़ा सा लग रहा है। बिल्कुल सर, पूरा मैक्सी स्कूटर की तरह ये लगता है। okay. और इसके अंदर इंडिकेटर्स वगैरह भी LED पे वर्क होता है। ठीक है, आप इंडिकेटर भी देखेंगे तो पूरा LED दिया हुआ है। ओके, और DLR सिस्टम है इसके अंदर। ओके, और इसकी जो स्पेशल बात है, ये हमने स्टार्ट करा स्कूटर। बिल्कुल, और ठीक है, तो इसमें भी जो है हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जा रहा है डिजिटल फुली, लेकिन इसमें जो है हमें व्हाइट कलर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, उसमें रेड कलर का मिल रहा है, ऑरेंज है ना। तो ये ज्यादा प्रीमियम हुआ? ये प्रीमियम हुआ सर। ठीक है, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी चीजें वही सेम मिल जाती है। इसके जो बॉडी पार्ट्स है और इसकी सीट है मार्केट से बहुत अलग है, काफी कंफर्टेबल है, ब्रॉड सीट है। हाँ जी, और इसमें आप 125 चला लो, मार्केट का 150 चला लो, एक बराबर है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर आपको आगे भी बूट स्पेस मिल जाता है और इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है आपको। ठीक है, ये आपका चार्जिंग पॉइंट है, ये आपको बूट स्पेस है, आराम से एक बोतल और मोबाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो इसमें फ्रंट में ही आपको चार्जिंग मिल जाती है, इसमें आपको अंदर खोल के रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो SXR हमारा मैक्सी स्कूटर हो जाता है। डिफरेंस क्या है हमारा, एक तो 12 इंच के व्हील्स आते हैं। अच्छा, इसमें व्हील हमारे छोटे हैं। छोटे व्हील्स आते हैं। SXR 125 सीसी हमारे कितने कलर्स में आती है? इसमें भी सर 4 कलर्स आते हैं, ब्लैक, व्हाइट, रेड एंड ब्लू। ब्लैक, व्हाइट, रेड एंड ब्लू, चार कलर्स में आते हैं। इसकी प्राइसिंग कितनी हो जाती है? अच्छा, इसका अंडर स्टोरेज ज्यादा मिलता है? हाँ जी सर, इसमें फुल स्पेस, मतलब फुल स्पेस का, फुल फेस का हेलमेट भी आ सकता है इसके अंदर वाला। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें फुल, हाँ, इसमें स्पेस ज्यादा मिलता है। हाँ, इसमें हमें 6 लीटर का टैंक मिलता था, इसमें 7 लीटर का फ्यूल टैंक है। इसमें 7 लीटर का फ्यूल टैंक है, फ्यूल एफिशिएंसी वही 30-35। हाँ जी, इसमें थोड़ा प्लस होने का चांसेस है हमारा, इसमें ज्यादा स्पीड है 125 सीसी में। ठीक है, उसके अलावा भाई आपके बाकी सारे मोड्स मिल जाते हैं, पासिंग लाइट्स मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है? नो सर, अभी ऐसा कुछ भी नहीं। ये चीज आउटडेटेड चीज है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है इंसान को अब आजकल हर एक चीज में चाहिए। अभी सर हमारा वो सिस्टम भी अपडेट होने वाला है, क्योंकि पिछली बार कंपनी ने निकाला था तो हमारा एक लास्ट लोकेशन दिखा था नेविगेशन वगैरह का, तो जैसा मैं फ्यूल लगाया तो वो फ्यूल टैंक का, मतलब कि पेट्रोल पंप का दिखाएगा, तो इसलिए थोड़ा अपग्रेड करके मार्केट में लॉन्च होने वाला है अभी। ठीक है, और उसी के साथ साथ अप्रिलिया की आपकी 660 सीसी की एक मोटरसाइकिल आने वाली है, जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे पहले रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर के आए। तो उसके लिए आप लोग रुके रहो, अप्रिलिया की एक तो RSV4 आती है आपकी, उसके बाद में आपकी जो 660 टूनो है वो जो है आपकी मार्केट में आने वाली है इस ईयर के एंड तक, तो आप लोग उसके लिए भी वेट करो, हम लोग बहुत जल्दी उसका वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन अभी जो हम लोग इसकी प्राइसिंग सुनते हैं उसके बाद में चलते हैं आगे। तो ये SXR कितने की सर? 125 सीसी पड़ता है, 1,51,000 का, 1,51,000 रुपीस। उसके बाद अब हम लोग मूव ऑन करते हैं SXR 160 के ऊपर, जो कि आपकी पावर वाइज थोड़ी सी ज्यादा बेटर स्कूटर हो जाती है। तो पावर तो इसमें आपको 11 PS का मिल ही रहा है, उसके साथ साथ और क्या मिल रहा है? हरी भाई बताइए। 160 के अंदर आपको ABS मिल जाता है। ठीक है, ABS अगर हम बाहर से लगवाएं तो हमारी गाड़ी में कोई प्राइसिंग ज्यादा नहीं रहती 160 में, अगर हम 15,000 का डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। ये कितने की ऑन रोड हमारी? ये 167,000 की, तो 15,000 रुपए आपकी, सॉरी 17,000 रुपए आपकी, करीब 16,000 रुपए आपकी ज्यादा हो जाती है स्कूटर, जिसमें आपको इंजन पावर ज्यादा मिल रहा है 11 पीएस का, उसके बाद में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। उसके अंदर कलर्स कितने आते हैं? 160 4 कलर्स अवेलेबल, वही चारों कलर, रेड, व्हाइट, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, तो अब आपने तो अभी फिलहाल जो है हमारी यही स्कूटर्स आती हैं, इसके अलावा एक आपकी स्टॉर्म आती है। स्टॉर्म कैसी स्कूटर है बताइए? स्टॉर्म सर जैसा हमारा SR है एज इट इज रहता है, उसमें 12 इंच के व्हील होते हैं बट थोड़े चौड़े टायर होते हैं, वो भी ऑफ रोडिंग के लिए लोग यूज करते हैं, तो सेम एज इट इज रहता है। वो भी आपकी 125-160 दोनों में? नो सर, वो ओनली 125 में आता है। 125 में ही आती है स्कूटर, दिखने में ऐसी ही होती है। टायर जो है उसमें आपको 12 इंच के मिलते हैं, जबकि आपको SR में 14 इंच के टायर मिल जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इस स्कूटर की, तो अगर चलिए सबसे पहले इस पे आते हैं, फाइनेंस कराने के लिए मुझे SR कितने की पड़ेगी? फाइनेंस कराने के लिए हमें कम से कम इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट आएगी, अगर बैंकिंग अच्छी है तो हम इस पे 20-15,000 रुपए में डाउन पेमेंट, 15-20,000 रुपए। उसके बाद में अगर इसी की 160 पे जाएं वो कितने की? और हमें कम से कम 25-30,000 रुपए। उसके बाद में अगर हम लोग 125 पर आ जाए वही सेम हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी 125 सीसी की स्कूटर लेते हो यहाँ पे, तो करीब आपको डाउन पेमेंट 15-20,000 रुपए, 160 की कोई स्कूटर लेते हो तो डाउन पेमेंट करीब 25-30,000 रुपए। मंथली EMI डिपेंड करेगा कि आप कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हो, कौन से बैंक से लेते हो, आपकी सिविल कैसी है, कितना डाउन पेमेंट कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, वो उसको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको हारे को फोन करना पड़ेगा एंड ही विल गाइड यू फर्दर। उसके अलावा बुकिंग अमाउंट हमारे अप्रिलिया पे कितने का, कितने रुपए मिनिमम? 5000 का इसका बुकिंग अमाउंट है, 5000 में बुक करा सकते हो। उसके बाद में EMIs आपने बताई नहीं है, वो आप उसको बाद में बता दीजिएगा। और कुछ ऑफर्स वगैरह चल रहा है अप्रिलिया के ऊपर? अभी तक तो कोई ऑफर नहीं है, कंपनी ने कुछ निकाला नहीं, जैसे कोई फेस्टिवल आएगा तो कंपनी निकालती है,
अगर निकाली तो हमको बिल्कुल अपने ग्रुप में डालते हैं, गूगल पे भी डालते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि अप्रिलिया का टॉप कॉम्पिटिटर यहाँ पे इंडिया में कौन है? अभी तक तो सर कोई भी नहीं है। कोई है नहीं ना, तो आपको ज्यादा रेसिंग प्रीमियम स्कूटर जो है वो और कोई ब्रांड जो है अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो अप्रिलिया ही कर रहा है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने आपको अप्रिलिया की सारी स्कूटर्स दिखा दी, सारी प्राइसिंग बता दी, अगर आपको बुकिंग अमाउंट जानना है तो वो बता दिया, फाइनेंस फैसिलिटी जाननी है वो बता दी, गाड़ी कितने कलर्स में आती है, कितने वेरियंट्स में आती है, कैसे गाड़ी अलग हो जाती है, अप्रिलिया की खास बात क्या, ये सारी चीज़ें आपको जो है इस वीडियो के अंत तक समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं जाता हूँ आप ही लोग के लिए इसी तरह से और खिलौने लेकर के आता हूँ। टिल देन बाय बाय, सलाम।